मेरा फोन। हाँ? और बोला मेरे से बात हुआ था, पापा से बात हुआ था, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। सब्जेक्ट के टीचर्स थे और वो कुछ नॉर्मल एक एक क्वेश्चन पूछ रहे थे और उनका आंसर लिखना था। दादा ही थे, आज तो मेरे ख्याल से 100 होंगे और ऐसा लगता है कि 500 होंगे टोटल। कौन सा स्ट्रीम था आपका? साइंस। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक के परीक्षार्थियों का रिजल्ट जल्द ही जारी कर सकती है। बोर्ड कार्यालय में गहमागहमी शुरू हो गई है और टॉपर्स का वेरिफिकेशन भी शुरू हो गया है। सिवान से एक छात्रा सुपौल से एक छात्रा शिवानी आई हुई है, उनका वेरिफिकेशन के लिए बिहार बोर्ड ऑफिस से कॉल गया था। क्या पूरी जानकारी है, सीधे शिवानी से बात करते हैं। शिवांगी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांगी, पहले तो बोर्ड ऑफिस ने आपको बुलाया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। तो क्या रहा, कब कॉल आया था आपको बोर्ड ऑफिस से और क्या कुछ बोला उन्होंने? परसों आया था फोन। अभी आप बोर्ड ऑफिस आई, यहाँ पर किस तरीके से आपका काउंसलिंग हुआ, क्या क्या बेसिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं? ये सारे सब्जेक्ट के टीचर्स थे और वो कुछ नॉर्मल एक एक क्वेश्चन पूछ रहे थे और उनका आंसर लिखना था। कितने स्टूडेंट्स थे अंदर में? दादा ही थे, आज तो मेरे ख्याल से 100 होंगे और ऐसा लगता है कि 500 होंगे टोटल। कौन सा स्ट्रीम था आपका? साइंस। तो किस तरीके से पढ़ाई हुई, किस तरीके से आपने पढ़ाई की? ऑनलाइन क्लासेस। मतलब और भी जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे होंगे, आप ऑफिस तक आई हैं, कुछ लोग अभी तक वेट कर रहे हैं कि आखिर उनका रिजल्ट कब आएगा, क्या कहना चाहेंगे उनसे? होली से पहले आएगा। होली से अंदर में कुछ बातें हुई इस तरह की रिजल्ट कब तक आ सकते हैं या कुछ इस तरीके से, या फिर नॉर्मल फॉर्मल बातचीत हुई? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुआ, वो तो सब बोल रहे कि होली से पहले आएगा। अब जब आप अंदर दाखिल हुई, बोर्ड ऑफिस के लोगों से आपकी मुलाकात हुई, पहला रिएक्शन क्या था टीचर्स का आपको देख करके? नॉर्मल, कुछ खास नहीं था, बहुत बच्चे थे। गार्जियन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आंटी, जब बोर्ड ऑफिस बुलाया गया, बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे थे और ऑनलाइन माध्यम से, ऐसी उम्मीद थी कि बोर्ड ऑफिस बुलाया जा सकता है तैयारियां देख करके? हाँ, इसका तो उम्मीद थी पहले से ही हम लोग को, जरूर कोई ना कोई रैंक तो आएगा ही, बुलाया जाएगा। ये तो बाहर में थी तो कॉल गया, बोले कहीं पे है बच्चे तो उसको बुलाइए। कब कॉल आया आप तो हिंदी घर पे? परसों कॉल आया, परसों मॉर्निंग 10 बजे बुलाया गया। अपने टीए कैसे आए वहाँ से, बाहर थे क्या? छोटा में पढ़ाई, अच्छा कोटा में आगे पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप लोगों ने घर पे बुलाया? आगे की तैयारी इसका मेडिकल के लिए है। तो क्या लगता है कि मतलब बिहार बोर्ड ने इनको बुलाया है, जरूर कोई बड़ी बात? हाँ, बड़ी बात होगी, रैंकर तो होगी ही, तो है ही। सब सारा हमको वहाँ से इंफॉर्मेशन पता चला कि ये रैंकर सबको ही बुलाया गया है। हाँ, तब जो रैंक हुआ अभी तो नहीं आउट हुआ है, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और जो बच्चे देख रहे हैं आपको, आप एक गार्जियन है, बच्चों से क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत लोग उम्मीद में है कि कब हमें बोर्ड ऑफिस से बुलाया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इतना बुलाया, ये बच्चे के कारण आज यहाँ पे पहुँचे हैं, तो अच्छा ही लगेगा ना। अच्छा की है बच्चा, तो इससे और उम्मीद है कि और अच्छा सुनने को मिले, अब रिजल्ट के बाद ही ठीक है। तो हमारे साथ जो बच्चे हैं वो थे, उनके गार्जियन थे। लगातार जो है बोर्ड ऑफिस से बच्चों को बुलाने का सिलसिला शुरू हो गया है, उनकी काउंसलिंग शुरू हो गई है। ऐसे में जो छात्र हैं वो अब बोर्ड ऑफिस तक पहुंच रहे हैं। अब अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बहुत ही जल्द इंटर की परीक्षार्थियों का रिजल्ट जारी कर सकती है। फिलहाल बिहार इन शॉर्ट्स के लिए इतना ही, आपके साथ मैं बॉबी मिश्रा।